हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने फॉग लाइट पे एक वीडियो बनाया था, तो उसी फॉग लाइट को मैं आज हॉर्न के साथ कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसको हॉर्न के साथ कनेक्शन करने पे जो आपका जो पास लाइट का जो फंक्शन है और हॉर्न का जो फंक्शन है, ये दोनों एक साथ काम करेगा। और बाकी इसका जो कनेक्शन करूँगा मैं टॉगल स्विच से करूँगा। तो टॉगल स्विच से करने का एक फ़ायदा होगा कि जब आप इसको हॉर्न के साथ रखना चाहेंगे तो ये हॉर्न के साथ रहेगा, और नॉर्मल अगर आप ऑन ऑफ वाले कंडीशन में इसको यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी काम करेगा। तो इसके कनेक्शन से पहले मैं फॉग लाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो फॉग लाइट है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने इस फॉग लाइट को इंस्टॉल करके दिखाया था नॉर्मल स्विच से। तो इसको इंस्टॉल करना आसान है, बस ये जो यहाँ मिरर वाला जो पॉइंट है, ये 12mm रिंच से रिमूव हो जाएगा। और इसको रिमूव करने के बाद इसका जो पॉइंट है, इसके साथ जो अटैच है फॉग लाइट के साथ, उसको इसमें डाल के और वापस इसको टाइट कर देना। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग एक बार वहां से देख लेना, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको मैंने कैसे इंस्टॉल किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले जो ये फ्रंट पैनल जितना भी है, फेयरिंग वगैरह, वो सारा रिमूव कर लेना है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। सबसे पहले तो आपको मिरर रिमूव करना होगा। इसका स्क्रू है, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ नीचे, उसी तरह एक उस साइड। ये जितना भी है ऊपर वाला, ये स्क्रू ड्राइवर से रिमूव हो जाएगा। और एक स्क्रू आपको यहाँ पे मिलेगा, ये भी स्क्रू ड्राइवर से रिमूव हो जाएगा। और ये 8mm रिंच से रिमूव होगा ये वाला स्क्रू। इस वाले पैनल को रिमूव करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना होगा। तो आपको जो स्क्रू खोलना है वो एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, उसी तरह उस साइड भी होगा तीन स्क्रू। और दो स्क्रू आपको आगे के साइड होगा, एक यहाँ पे मिलेगा और उसी तरह एक यहाँ पे। अगर आपको इसको रिमूव करने में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसको पहले भी रिमूव करके दिखाया, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उसको देख के आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये वो टॉगल स्विच जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, ये 3-pin स्विच होता है। जब आप टॉगल स्विच से कनेक्शन करेंगे तो ये हॉर्न के साथ तो ऑन होगा ही, बाकी अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं, जो सिंपल ऑन ऑफ होता है कि हमेशा आपका ऑन रहे जब भी आप स्विच ऑन करें फॉग लाइट को, तो वो भी ऑन रहेगा। और टॉगल स्विच में होता क्या है कि ये दोनों साइड ऑन का कंडीशन होता है। इस साइड जब आप करेंगे तो भी ये ऑन रहेगा, और इस साइड जब आप करेंगे तो ये ऑन रहेगा। तो मैं इसमें जो कनेक्शन करूँगा, तो जब आप एक साइड ऑन करेंगे तो वो आपका फॉग लाइट हॉर्न के साथ ऑन होगा, और जब आप इस साइड ऑन करेंगे तो ये नॉर्मल जो फॉग लाइट हम यूज़ करते हैं वैसा ऑन होगा। तो अब आते हैं हम स्विच के इंस्टॉलेशन पे। तो स्विच का जो इंस्टॉलेशन होगा वो बिल्कुल सेम है जो मैंने पिछले बार जो इंस्टॉलेशन किया था फॉग लाइट का, जो सिंपल स्विच होता है ऑन ऑफ का, वैसे इसको भी इंस्टॉल करना है। बाकी मैंने उसी जगह पे इसको इंस्टॉल करूँगा, वो वाला स्विच निकाल के और इस वाले को वहाँ इंस्टॉल कर दूँगा। इसके इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले जो इस पर स्क्रू दिया गया है, इसको निकाल लेना है और इस साइज का एक होल करना है जहाँ भी आपको इंस्टॉल करना है। तो जहाँ मैंने पहले स्विच से कनेक्शन किया था उस वाले स्विच को निकाल के, इस बार जो इसका डायमीटर है वो पिछले बार वाले से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बड़ा होल करना पड़ेगा आपको इसमें। तो इसको इस तरह से इस होल के अंदर डालना है और ऐसे इसको मूव करना है। और इस स्विच को होल में इंस्टॉल करने के बाद जो हमने ये स्क्रू इससे निकाला था उसको वापस उसमें लगा देना है। अब इसको यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद इस तीनों पिन से एक एक वायर निकाल लेते हैं सब। और वायर निकालने के लिए ये जो स्क्रू है इसको पहले निकाल के और इसके अंदर वायर डाल के फिर वापस इसको टाइट कर देना है। तो दोस्तों, मैंने ये वायर तीनों पिन में कनेक्ट कर दिया। अब मैं इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो बीच वाला है जिसमें मैंने रेड वायर डाला है, वो फॉग लाइट के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट होगा। ये वाला जो वायर है ये पॉजिटिव इग्निशन से कनेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आपका जो स्कूटी है वो ऑफ कंडीशन में भी रहेगा, तो अगर आप ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इग्निशन से कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये जो वाइट वाला वायर है, इसको हॉर्न के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करना है। और वो जो इग्निशन वाला सॉकेट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला, ये जो ब्लैक कलर का वायर आया हुआ है यहाँ पे। बाकी इग्निशन का वायर आपको एक जगह और आपको मैं बता देता हूँ।
ये नीचे यहाँ जो ये सॉकेट आपको दिख रहा है, इसमें जो ब्लैक वायर है वो भी इग्निशन वायर है, तो अगर चाहे तो आप इसमें भी इग्निशन वायर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये फॉग लाइट का वायर है, इस साइड वाला फॉग लाइट है, ये इस साइड वाला, दोनों से दो वायर आया है, एक ब्लैक और रेड, मतलब इस तरफ वाला जो फॉग लाइट है उसमें दो वायर है, एक रेड और एक ब्लैक, और इस साइड वाला जो फॉग लाइट है उसमें दो वायर है, एक रेड और एक ब्लैक। तो इसमें रेड वाला पॉजिटिव है, ब्लैक वाला निगेटिव। इस फॉग लाइट का जो रेड वायर है, मतलब इस साइड वाला रेड और इस साइड वाला रेड, दोनों को आपस में कनेक्ट कर लेना है, और फिर ब्लैक वाले को आपस में कनेक्ट कर लेना है। जो ये रेड वाला है पॉजिटिव, उसको इस स्विच से कनेक्ट करना है, क्योंकि ये रेड वाला वायर पॉजिटिव है, और बाकी जो ये ब्लैक वाला वायर है इसको निगेटिव से कनेक्ट करना है। निगेटिव आप कहीं भी ले सकते हैं, मैं इस बोल्ट पे लिया है निगेटिव, आप बैटरी से भी इसका निगेटिव ले सकते हैं, इस बोल्ट को लूज करके और इसमें वायर डाल के और वापस इसको टाइट कर लेना है। तो इसमें से जो एक वायर है वो हॉर्न के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट होगा, और इसमें हॉर्न में आपको दो वायर दिखेगा, एक ग्रीन दिखेगा पूरा जो ग्रीन है ये वाला, एक ग्रीन दिखेगा और एक ब्लू टाइप का दिखेगा। तो इसमें जो ये ब्लू है वो पॉजिटिव है, तो इससे कनेक्शन करना है। पहले इसको सारा कनेक्शन कर लेता हूँ, फिर लास्ट में फिर मैं आपको एक बार इसको दिखा दूँगा कि कौन कौन सा वायर मैंने किस में कनेक्ट किया है। मैंने ये तीनों वायर कनेक्ट कर दिया, अब मैं बताता हूँ किस में किया। इधर वाला जो वायर था इसको मैंने हॉर्न का जो पॉजिटिव वायर है उसमें कनेक्ट किया, और जो बीच वाला है उसको मैंने जो फॉग लाइट का जो बस में मैंने कनेक्ट किया था तो रेड वायर उससे कनेक्ट किया है। जो ये वाइट वाला वायर है उसको मैंने इग्निशन से कनेक्ट किया है, तो मैंने अभी ऊपर से ऊपर वाला जो इग्निशन का सॉकेट है उसमें नहीं किया, मैंने ये जो नीचे वाला है ये वाला जो सॉकेट है उससे कनेक्शन किया है। तो जिनको भी प्रॉब्लम है कनेक्शन करने में, तो ये जो इग्निशन वायर है इसका सॉकेट खोल लेना है ऐसे, पहले से भी इसमें कनेक्शन किया हुआ है, इसी तरह से आपको वो वायर इसमें डाल के इसके सॉकेट में और वापस इस सॉकेट को लगा देना है। जो दोनों फॉग लाइट का ब्लैक वायर आपस में कनेक्ट किया था उसका कनेक्शन निगेटिव से करना है। तो इस साइड ऑन किया तो ये फॉग लाइट ऑन हो गया आपका, मतलब इस वाले कंडीशन में आपका हॉर्न वाला जो सिस्टम था वो काम नहीं करेगा, और बीच में जब ये रहेगा तो ऑफ हो जाएगा बिल्कुल, कोई सा भी फंक्शन काम नहीं करेगा, ना तो हॉर्न वाला ना ये सिंपल ऑन ऑफ जो होता है। और बाकी इस तरफ करेंगे तो जब आप हॉर्न ऑन करेंगे तब ये ऑन होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।